दरोगा जी, अब बहुत तेज भूख लगी रहती, कछु हल्को फुल्को मुर्गो और शराब वराब पिलवा देते। हमें खा लू? तुम हमारी बीवी के भैया लग रहे का, जो तुम्हारे ने दावतें करवाए मुर्गा बनवाए थे। अच्छा, आप अपने बीवी के भैया को थाने में दावत करवाते हो? मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर, बट हमारे सारे फरमाइश है पेल। अरे डैडी! हाँ हमरा बच्चा। डैडी, मम्मी। हेलो, आ हेलो दारोगा जी। नमस्कार, जो बताओ कैसे आने बहु? जा कलूटा को छोड़वाने आए का? अरे इस अरे करे नत्तू करे को काय छुड़ाएंगे? अरे ऐसे काय बोलते हैं हमरे बेटे के बारे में? हाँ अच्छा, ऐरा गेरा पहले मतलब है तो मेरे लल्ला, मेरे बेटे। अच्छा जाओ, मतलब ही आदमी। आई हेट यू। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। जो बताओ कैसे अनुभव? ऐसा है दरोगा जी, ये जो दुल्हन गायब हुई है ना, हमें लगता है किसी भभूति जी ने गायब किया है। जो बात तुम कैसे कह सकती हो? मतलब आज ऐसा हरकतें आजकल भभूती जी कर रहे हैं ना, आ तो उन पर ही शक जाता है हमरा। किंतु का शक है? आप हमें बताओ भैया, विभूति पे का शक हो रहा है आपको? हम आपको समझाते हैं। कहा है कि आजकल भभूती जी जैसे लाल रंग देखते हैं ना, लाल रंग, वो ऐसे टॉयलेट हो जाते हैं। अभी जी वो टॉयलेट ना होते है, वो वॉयलेंट होते है। सही पकड़े हैं। अभी अभी का बात है, वो हमने ना लहंगा खरीदने के लिए बुलाया था एक ठो आदमी को, वो हमको अलग अलग रंग के लहंगे दिखा रहा था। जैसे लाल रंग का लहंगा निकाला ना, तो भरभूति जी आए और लहंगा उठाकर भाग गए और बहुत बहुत पीटे उनको। भाभी अंगूरी, जब आज से जो साबित ना हो रहा हूँ ना कि दुल्हन जो गायब हुई है वो भैया विभूति ने गायब करी है। वो ऐसे साबित हो सकता है कि दुल्हन भी लाल साड़ी पहनती है ना, तो भभूति जी लाल रंग को देखकर भिदक जाते हैं। नहीं लेकिन जो तो तुम अंदाजो लगा रही ना। अंदाजो है लेकिन साबित तो आपको करना है ना। या हम कैसे साबित कर देंगे? आपको लाल जोड़ा पहनकर डोली में बैठना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही भाभी अंगूरी? अरे दादा हम ना बैठेंगे। अगर तुम नहीं बैठोगे तो क्या डोली में तुम्हारी साली को बिठाएंगे? जैन साहब आप बैठिए। हाँ ठीक बा, हम कार्रवाई कर रहे हैं साहब। घुइया कार्रवाई कर रहे हो तुम? आप देखिए ना कमिश्नर साहब, हमने इतना अच्छा आइडिया दिया था इन्हें, इससे मुजरिम को पकड़ा भी जा सकता था, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। अरे यार तिवारी, तुम कैसी बातें कर रहे? तुम जो बताओ हम डोली में कैसे बैठेंगे यार? तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी डोली में बैठेंगे हप्पू सिंह। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे वो मुजरिम हर हालत में सलाखों के पीछे चाहिए, वरना तुम सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। चलो रे डोली उठाओ कहा, हप्पू मिलन की रुत आई। खाना तुमने बहुत ही टेस्टी बनाया था, क्यों अनुराग? लो थोसा, मतलब प्लीज हैव। भाई खाना तो मेरे विभू ने बनाया था, ऑल क्रेडिट गोज टू विभू। अरे वाह विभू, वो बेसन के गट्टे की सब्जी ना बहुत ही कमाल की थी, तो मुझे रेसिपी बता दो ना उसकी प्लीज। Thank you for the compliment, लेकिन क्या है कि I can't tell you the recipe, because वो रेसिपी मेरी मॉम ने मुझे दी है और मुझसे वादा लिया था कि रेसिपी मैं किसी ऐरे खरे नत्थू खैरे को ना दूं। I'm sorry. Okay, ठीक है, मत बताओ रेसिपी। देखना एक दिन ना मैं तुम्हारे किचन में CCTV कैमरा लगाकर पता कर लूंगी, क्यों अनुराग? चिल करना, क्यों इतना एफर्ट कर रही है? मैं तुझे खुद ही बता दूंगी। Excuse me, तुम इस मीनल को मेरी रेसिपी नहीं बताओगी, is that clear? अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। Actually मेरा विभू ना थोड़ा पजेसिव है अपनी रेसिपीज को लेकर। अच्छा अनु, मैंने तुझे बताया था क्या अनुराग ने लंदन में इंडियन फूड रेस्टोरेंट खोला है? हो गया शो ऑफ शुरू। मुझे याद है लंदन में तुमने पिछली बार इनॉग्रेशन किया था ना। लेकिन तुझे पता है हमारा कुक ना हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पर चला गया, इसके लिए ना हमें एक नए कुक की तलाश है, क्यों अनुराग? यार मीनल कमाल करती हो तुम। हाँ बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। पर छोरा है कौन? ये है ना हमारे बगल में, हाँ शेफ नंबर 1
अरे वाह अनु, तूने तो मेरी मन की बात छीन ली. एग्जैक्टली यही चीज ना मेरे दिमाग में भी थी. क्यों अनुराग? अच्छा हाँ हाँ, तो बता तू कितनी सैलरी देगी? 20,000 रुपए इंडियन करेंसी. क्यों अनुराग? 50,000 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं, एंड नो बार्गेनिंग. अच्छा चल 25. हाँ क्यों अनुराग? 49. 30,000. 48. 35,000 लास्ट. ओके एक काम करते हैं, न तेरी ना मेरी 40 में ओके कर देते हैं. ओके डन. एक्सक्यूज मी, यहाँ मेरी नौकरी के बारे में मोल भाव हो रहा है और मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा है. Who am I? मैं कौन हूँ? अरे तुमसे क्या पूछना है, कसाई जब मोल भाव करते हैं तो बकरे से पूछते हैं क्या? क्यों अनुराग? मजाक कर रही है वो. Okay. मतलब तुम लोगों ने आपस में तय कर लिया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है. अरे तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही है लंदन में एज अ कुक, 40,000 रुपए मिलने कभी तुम्हें? तुम्हें वहाँ फ्री में रहना, खाना, नहाना सब होटल में हो जाएगा, अपने हाथ का खाना भी खा लेना. हाँ इसमें पूछने की गुंजाइश ही कहाँ है. अच्छा सुन, तो मैं इसके वीजे के लिए ना अप्लाई कर देती हूँ, तू इसे रेडी कर ले. क्यों अनुराग? नहीं, रेडी नहीं करना, ये बिल्कुल रेडी है. It's okay. तू चालू कर दे अपना. मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा. क्यों नहीं जाओगे? हाँ तुम्हें लंदन जाने का मौका मिला, लंदन गए हो कभी तुम? 40,000 रुपीस तुम्हारी सैलरी है, ऑफ कोर्स तुम जाओगे. अगर ये मिनल अनुराग मुझे लाख रुपए देना, लाख रुपए, तब भी ना जाऊं. पूछो क्यों? बिकॉज आई डोंट लाइक द फेसेस. क्यों अनुराग? यस सर. तुम क्या, तुम्हारा तुम जाओगे 40,000 रुपए में ही जाओगे इस बार. घर आया मोरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की. मेरा परदेसी. भाभी जी, आपका परदेसी आ नहीं रहा है, आपका परदेसी जा रहा है, वो भी परदेस. का बोले? अब बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? हम एकदम ठीक बा, आप बताइए कैसन बा. रो रहे हैं भाभी जी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं न्यूज कैसे दूं आपको, बिकॉज मुझे पता है कि ये न्यूज सुनते ही आपके ऊपर तो बिजली गिर जाएगी. आप कहा बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है. एक्चुअली भाभी जी, मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई. मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है कुक की. हाय दिया, तो इसमें बिजली गिरने का क्या बात है? ये तो बहुत ही खुशी का बात है कि आपका नौकरी लग गया. भाभी जी, मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जॉब मिली है. हाँ तो ये तो गुड न्यूज है ना भाभी जी? वो न्यूज होता सही पकड़े हैं, ये तो कितना खुशी का बात है भाभी जी. लेकिन मुझे लंदन जाना पड़ेगा, जॉब मुझे लंदन में मिली है. क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कौन लंदन जा रहा है? अरे केनालिटी के भैया, भरभूति जी को नौकरी लग गया है लंदन में. अरे क्या बात है गुरु, आपको लंदन में जॉब मिल गया है, मतलब कानपुर छोड़कर जा रहे हैं? कब जा रहे हैं आप? बड़े खुश हो रहे हैं? अरे भाई खुशी की बात ही है, आप लंदन जा रहे हैं मतलब कानपुर को आपसे निजात मिलेगी. क्या बका भी आपने? मतलब आपको आपके नल्लेपन से निजात मिलेगी भाई. हाँ देखिए भरभूति जी बिल्कुल ठीक बोल रहे लड्डू के भैया, आपके माथे से नल्लेपन का दाग हट जाएगा, कछु काम धंधा करेंगे, चार पैसे कमाएंगे. हाँ अरे तो जाओ ना, जाके मिठाइयाँ बनवाओ भाई, पूरे मोहल्ले में बंटवाओ, इतनी खुशी की बात है, तुम यहाँ बैठी हो जाओ. हमको पता है भरभूति जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, हम आपके लिए बनाते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई भरभूति, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, घर से जा रहा है मेरा परदेसी. हमारी आवाज ना, वैसे तो भगवान से दुआ करेंगे कभी ना हो, लेकिन जब भी आओ खम्बा ले ना, ऐसे पॉकेट में दबा के हमारे लिए ठीक है. तुम्हारी क्लासिकल म्यूजिक पे क्या पकड़ है? मैंने बाकायदा पंडित जसराज जी से क्लासिकल म्यूजिक सीखा है भाई. अच्छा, ओ माय गॉड, तुमने पंडित जसराज जी से गाना सीखा है? नहीं मत बोलना कि झूठ बोल रहा हूँ.
नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन विभू तुमने मुझे कभी बताया नहीं। ठिंडुरा पीटता रहूं क्या कि मैंने पंडित जसराज जी से म्यूजिक सिखा? अरे यार, I'm a humble and down to earth person, you know it. हाँ वो तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ढिंढोरा पीटो, लेकिन कम से कम अपनी बीवी को तो बताना चाहिए ना। तुम्हें कॉलेज के वक्त से मालूम है कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मुझे वो भी दिन याद है कि जब एनुअल डे के फंक्शन के रोज मैं राग भैरवी में बंदिश गा रहा था तो तुम कॉर्नर में बैठ के सबसे ज्यादा हूटिंग कर रही थी मेरी, चिल्ला चिल्ला के। मैंने हूट किया था। ऑफ कोर्स तुम कर रही थी हूटिंग और जब मैं ताने लेता था तुम अब एक ऐसा अजीब समूह बना के रोने वाला। छोड़ो ना, वो पुरानी बातें हो गई, नई बात करते हैं। देखो विभू, तुमने तो शास्त्रीय संगीत सीखा है, हाँ पंडित जसराज जी से सीखा है, मुझे भी सिखा दो ना, मैं ना तुम्हारे साथ डुएट गाऊंगी। I'm really sorry. I have a very busy schedule and I don't have time. तुम्हारे पास टाइम नहीं है? ऐसा कौन सा धंधा खोल लिया तुमने? Please mind your language. धंधा नहीं कर रहा हूँ, काम करता हूँ। I'm a busy man. हाँ तो ठीक है, whatever busy schedule. ऐसा क्या कामकाज करते हो तुम? अभी आपको नाश्ता बना के दिया, आप नहा के आई हैं तो फिर आपको कॉफी दूंगा, उसके बाद आप ग्रूमिंग क्लासेस जाएंगी, पीछे से घर के सारे साफ सफाई करूंगा, बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, खाना बनाऊंगा, उसके बाद 1:30 बजे आप लौट के आएंगी ग्रूमिंग क्लासेस थकी हारी, फिर मैं आपको लंच परोसूंगा, आप लंच करेंगे, 2 घंटे आप सो जाएंगी ब्यूटी स्लीप, मैं फिर भी काम करता रहूंगा, शाम को उठेंगी आप 4:30 बजे, आपको कॉफी दूंगा, आप फिर जाएंगी ग्रूमिंग क्लासेस, फिर मैं काम करता रहूंगा, फिर आप आएंगी शाम को, फिर मैं आपको कॉफी दूंगा, फिर आप जॉगिंग के लिए जाएंगी, फिर मैं काम करता रहूंगा, फिर आप लौट के आएंगी थकी हारी, फिर आप वॉश करेंगे अपने आप को, फिर मैं आपको खाना सर्व करूंगा यानी कि डिनर सर्व करूंगा, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आप मुझसे कॉफी मांगेंगी, मैं आपको कॉफी दूंगा, फिर आप अपने बेडरूम में जाएंगी और फिर आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज डिमांड करेंगी जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेंगी चाहके अनचाहके। तो ठीक है ना, ये सब बातें बोलने की नहीं होती हैं, ये तो बहुत रेगुलर काम है, बहुत नॉर्मल काम है, इसमें से तो कोई टाइम नहीं निकल सकता। हाँ तुम सोते कितने घंटे हो? क्या सोते हो, क्या टाइम मिलता है, कोई एक 6.5 घंटे सो पाता हूँ। लो 6.5 घंटा है तुम्हारे पास, हाँ तो उन 6.5 घंटों में से 1 घंटा मेरे लिए चुरा नहीं सकते। I'm sorry. हाय दिया, क्या बात है, क्या बात है, अका दक्षिण भारत का फिल्म है ये, और ये टीचर तो बहुत ही कमाल के हैं। तो टीचर होता पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। अब देखिए देखिए लड्डू के भैया, अब बैठिए बैठिए, यहाँ 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 बैठिए, अब देखिए। अरे ये तो बहुत फेमस फिल्म है भाई, पड़ोसन। हाँ। बहुत मनोरंजक फिल्म है ये। हाँ लड्डू के भैया, और ये फिल्म ना हमको बहुत बहुत पसंद है, और आपको पता है ये फिल्म में हमको सबसे अच्छा का लगता है? का? ये जो संगीत सिखाते है ना मास्टर जी। अरे ये तो जाने माने कॉमेडियन है भाई, महमूद साहब। भैया हमरा ना एक तो इच्छा हमेशा से ही रहा है। कौन सी इच्छा? यही कि ना हम दक्षिण भारत के किसी संगीत के मास्टर जी से संगीत सीखें, उसके बाद पूरा दक्षिण भारत घूमें और फिर मैसूर के बगीचे में बैठकर संगीत का रिवाज करें। रिवाज नहीं, रियाज होता है पगली। सही पकड़े हैं। साउथ इंडियन मास्टर यानी कि मैं, भाभी जी और मैं, और मैसूर गार्डन की तन्हाई, और पीछे बज रही हो शहनाई। जिया ले गयो रे मोरा सावरिया, जिया ले गयो रे मेरा सावरिया। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, क्या गाती हैं आप, क्या गाती हैं, क्या सुर है, क्या ताल है, आ, 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 क्या गाती हैं। माफ कीजिएगा, हमने कुछ गलत कह दिया? तिवारी जी आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, कितनी मूर्खियां हैं इस गाने में और मैंने कितना फ्लैट गाया। भाभी जी आपके इस फ्लैट पर ही तो हम फ्लैट हो गए जी।
दरअसल आप जिसे फ्लैट कह रही हैं ना भाभी जी, वो सादगी है, इनोसेंस। और जिस सादगी के साथ आप गा रही थी, आ हा हा, क्या बात है तिवारी जी। मुझे सादगी के साथ नहीं गाना है, मुझे तो ना क्लासिकल गाना है। हाँ तो गाइए ना भाभी जी, हम आपके क्लासिकल को भी अपने नेत्रों पर बैठा लेंगे। तिवारी जी, नेत्रों पे तो आप तब बिठाएंगे ना जब मैं क्लासिकल गा पाऊंगी। तो कौन कम वक्त रोके है विभू, तो तलाक दे दीजिए। तिवारी जी, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ भी बोल जाते हैं? आपको नहीं लगता कि तलाक की बहुत छोटी सी वजह है? माफ कीजिएगा भाभी जी, दरअसल हमारे मुंह से निकल गया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि भभूति जी को क्या हक बनता है कि एक डाइट की हुई चिड़िया को यूं पिंजरे में कैद रखने का। आप क्यों हो जाते हैं इतने इमोशनल? मुझे किसी ने पिंजरे में कैद करके नहीं रखा है, सिर्फ क्लासिकल सीखने से मना किया है। हाँ तो आपको सीखना चाहिए भाभी जी, अगर आप क्लासिकल सीख लेंगी ना तो आप लता जी जैसी गा सकती हैं, आशा जी जैसे गा सकती हैं, श्रेया घोषाल जैसे गा सकती हैं भाभी जी। तिवारी जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आशा जी और लता जी जैसे गा सकती हूँ? बिल्कुल भाभी जी, आपको आपको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। तिवारी जी, चाय पियेंगे? आप अपने हाथों से पिलाएंगे तो जरूर पियेंगे भाभी जी। अभी आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। रिया ले गयो रे मोरा सांवरिया। अरे तिवारी जी, जी चाय की पत्ती और दूध तो खत्म हो गया घर में, कल पिलाती हूँ। धुन मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन, सुन साहिबा सुन। द्वार वो घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए, 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 एक बॉडम नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार वो घुसत जात, हम मर ए, 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 ए। ये तो एकदम फिल्म वाले वो दक्षिण भारतीय संगीत के गुरु जी लग रहे हैं। आया सुंदरे, तुम कुछ बोल। हाँ, वो कहा है कि आप ही के बारे में बोले, आप दक्षिण भारतीय हैं? या आई एम साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर। डार्लिंग त्रिचुपल्ली अय्यंगारा वेंकटेश कृष्णमूर्ति अय्यारा। हाय दिया, इका मतलब आप दक्षिण भारतीय संगीत के चीटर हैं? वो टीचर होता सुंदरी, सही पकड़े हैं। श्रीमान तिरुपल्ली कविता कृष्णमूर्ति जी। हमारा नाम डार्लिंग त्रिचुपल्ली अय्यंगरा वेंकटेशा कृष्णमूर्ति अय्यरा। हाय दिया, आपका नाम तो बहुत ही बड़ा है। तुम हमको डार्लिंग बोल सकते? हाँ, क्या बोले? हमारा नाम बहुत बड़ा, डार्लिंग त्रिचुपल्ली अय्यंगरा वेंकटेशा कृष्णमूर्ति अय्यरा, तो तुम हमको डार्लिंग बोल सकता। अका, हम आपको त्रिचुपल्ली बुला सकते हैं? वो हमारा दादा का नाम होता। अब वेंकटेश बुला सकते हैं? हमारा पापा का नाम, हमारा अप्पा का नाम होता। दिया, ठीक बाबे, हम आपको डार्लिंग ही बुलाएंगे। मेरे को डार्लिंग बोलो। अका बोले? मैंने कहा मेरे को डार्लिंग बोलो। डार्लिंग। ये क्या लाई? ये देखिए, इटली, ये बड़ा और ये घुसा। इडली वड़ा डोसा होता है पगली, सही पकड़े हैं। ये कौन बना लाई? कहा है ना कि हमरे जो गुरुजी है ना डार्लिंग गुरुजी, वो बोले हैं कि ई खाने से ना हमरा आवाज और भी सुरीला हो जाएगा। तुम्हारे गुरुजी की ऐसी कितनी थी, हमारे खाने पर भी पाबंदी लगा दी,
चलो गुर्दों से झूल जाएंगे उस सारे डार्लिंग गुरुजी के। अब बस कीजिए, आप ऐसे ना ही बोल सकते हैं हमरे गुरुजी के बारे में। काहे कि वो जो भी कर रहे हैं हमरी आवाज को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं ना। आवाज को अच्छा करने के लिए कर, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उनका क्या फायदा होगा आपको इडली खिलाकर? फायदा ये होगा कि हमसे दुगने पैसे वसूल करना चाहते हैं वो। आप कुछ भी बोलते हैं। अरे चुप रहो। बहुरिया। अम्मा जी। आइए आइए। अपन नाम कर रहे हैं। जुग जुग जी मेरी बच्ची। प्रणाम। अरे बहुरिया, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, क्या बनाई हो? अरे इडली डोसा और बड़ा। आहा बहुरिया, तुम तो हमारा दिले खुश कर दियो है। पातारे बलमा। बेबी गुड नाइट। मुझे पता था कि सवाल जवाब होंगे भी। तो दे दो जवाब, कहाँ थे सारा दिन? अरे यार अब मैं इससे क्या बहाना करूं, ये सवाल के भी सवाल निकालेगी। इतना लंबा पॉज, जरूर अपने मन में कोई स्टोरी स्क्रीन प्ले बना रहे होगे कि बीवी को कौन सी कहानी चिपका दूं मैं आज। नो नॉट रियली, एक्चुअली बड़ी अजीब सी बात हुई आज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे, हाउ डू एक्सप्लेन। अपने मुंह से एक्सप्लेन करो ना, क्या बात है जिसकी वजह से मैं आज पूरा दिन बाहर था, ऑल डे आई वाज आउट टुडे। अरे तो क्या बात है, जरा मुझे भी तो पता चले। एक्चुअली आज मम्मी आई थी। मम्मी? हाँ। तुम्हारी मम्मी? हाँ मेरी मम्मी। मेरी सासू माँ? यस, अभी मैं उनको बैठा के आ रहा हूँ गंगोत्री की ट्रेन में, सीधा स्टेशन से घर ही आया हूँ। ऑल डे आई वाज विद हर, पूरे दिन के साथ था मैं। शक्ल से बेवकूफ नजर आती हूँ? No, not at all. वैसे भी शक्ल से मालूम नहीं पड़ता किसी को। Anyway, but तुम definitely बहुत सियानी हो। That's for sure. Exactly, मैं बहुत सियानी हूँ। फिर क्यों झूठ बोलते हो मेरे सामने? मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार? Why would I lie? अगर मम्मी जी आई थी तो वो घर क्यों नहीं आई? तुम्हारी वजह से। हाँ? She said मैं घर जाती हूँ तो तेरी बहू का मुंह बन जाता है। And I don't like it. Even I don't like it. So, she said, अच्छा ऐसा कहा उन्होंने? ठीक है मैं अभी उनसे बात करती हूँ, अभी फोन लगाती हूँ उनको। उनके फोन की बैटरी डाउन है तो उससे फोन लगेगा नहीं। ये आदमी ना साफ साफ झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऑलराइट। कहाँ चला डोला? नीचे सोने के लिए। वो क्या कि बालों में तेल लगाया हुआ ना, खोलूंगा तो बदबू आएगी तुम्हें। कि तुमने सच में बालों में तेल लगाया कुछ और माजरा है? कोई और माजरा नहीं है, तुम सूंघ लो ना। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। बदबू मत फैलाओ यहाँ पर, पूरे रूम में बदबू भर जाएगी फिर मैं सो नहीं पाऊंगी। जाओ। Well, that suits me fine. What? I said that doesn't suit me, sunshine. ठीक है जाओ। Good night. आइए। अरे वहां कहां जा रहे हो यार, यहां बैठ। बैठिए बैठ बैठ। मेरे को जाना है, मेरा स्टूडेंट मेरा वेट करता है, मेरे को जाना है। चुपचाप बैठे रहिए। तुम धमकी देता हमको? हाँ हम नहीं था धमकी तुम्हारा। किसको डांट रहे थे भाभी जी आप? हाँ देखिए ना भाभी जी, यही वो आदमी है जिसने हमारे जीवन को उथल पुथल करके रख दिया है। वह वाइयर टाइप का आदमी है ये। तिवारी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक म्यूजिक के शिक्षक का अपमान कर रहे हैं। जिस घर में हमारा अपमान होता है उस घर में हम टिकता नहीं, हम बैठता नहीं, हम जाते। मासी जी बैठिए ना। अरे बैठिए, भाभी ने कहा ना बैठिए तो बैठिए। अरे भाई तिवारी जी, गेट लॉस्ट, रीड माय लिप्स। वो कहता गो टू हेल, मेरा मतलब है वो बोलता गेट लॉस्ट। तुम जा, चुप रहिए, पिंडा लिपो। भाभी जी ये क्या है? हमें तो लगा था कि आप इन्हें डांटेंगी, आप तो उल्टा हमें ही डांट रही हैं। तिवारी जी आप डांटने वाला काम कर रहे हैं। अरे आप एक म्यूजिक के शिक्षक के साथ इतना खराब बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए? भाभी जी किंतु तिवारी जी आप कुछ मत कहिए, सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए मास्टर जी को। जी जी मार्क सॉरी बोलो, बोलते मैडम आई एम सॉरी।
क्या विभु को क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्यों कॉपी कर रहे हैं आप मेरे हस्बैंड को? सीधी सीधे बोलिए, आई एम सॉरी। सॉरी? ओके, हम माफ करता। हमको जाना होता, हमारा स्टूडेंट हमारा वेट करता, सुंदरी हम जाता। मास्टर जी आप बैठिए ना। बैठिए, भाभी जी कह रही है ना बैठिए, तो बैठिए। सॉरी। मास्टर जी सुनिए ना, आप मुझे भी संगीत सिखाइए ना, मैं एक्चुअली आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ। भाभी आप इनसे सीखेंगी? क्यों, मैं इनसे संगीत नहीं सीख सकती? किंतु तिवारी जी, आप अपना किंतु परंतु अपने जेब में रखिए, क्योंकि संगीत तो मैं इन्हीं से सीखूंगी। मास्टर जी मुझे भी सिखाइए ना। हम सारे हम आपको नहीं सिखा सकता, हम बहुत बिजी। सुबह 4 बजे उठता, 4 बजे उठ के 5 बजे नहा धो के हम सवेरा 5 बजे से रात को 12 बजे तक संगीत का क्लास लेता, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, हम जाता। ओके मास्टर जी बैठिए ना। बट भाभी ने कहा ना बैठिए, तो बैठिए। अरे भाई सॉरी। मास्टर जी प्लीज अपने इस बिजी स्केड्यूल से मेरे लिए कुछ टाइम निकालिए ना प्लीज। हम टाइम नहीं निकाल सकता, हम बहुत बिजी। आप ना अंगूरी जी से जितने भी रुपए लेते हैं ना सिखाने के, मैं उससे आपको पूरे 100 रुपए ज्यादा दूंगी। भाभी क्या बात कर रही है, बहुत महंगा है। तिवारी जी आप प्लीज चुप रहिए। मास्टर जी प्लीज प्लीज सिखाइए ना मुझे। हम बोलो ना सुंदरी, हमारे पास टाइम ही नहीं, हम बहुत बिजी है। देखिए ना मास्टर जी, मैं आपसे कितने प्यार से कह रही हूँ, तो आप प्यार से समझ जाइए। हाँ क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मार को धमकी देता। ओ गॉड, कहाँ फंस गया यार। अरे ये विभु ऐसे चोरों की तरह झाड़ियों में क्यों घुस रहा है? झाड़ियों के अंदर घुसा विभु और बाहर आए मास्टर जी, कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैं विभु को फोन लगाती हूँ। यार ये हन्नू का फोन क्यों आ रहा? हेलो बेबी, व्हाट्स अप? कहाँ हो तुम? मैं व्हाइट हाउस में बैठा ट्रंप के साथ 3 पत्ती खेल रहा हूँ। वेरी फन। अब कहाँ हो बताओ? अरे यार कहाँ जाऊंगा, कानपुर में हूँ यार, और कहाँ जाऊंगा। हाँ ठीक है, कानपुर में कहाँ हो? सब्जी मंडी में हूँ, सब्जी मंडी में यार। ओह रियली, सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो? लेकिन मुझे किसी सब्जी वाले की आवाज नहीं आ रही है। सारी दुकानें बंद, दोपहर का टाइम है यार, एक आध दो दुकानें खुली हुई हैं बस। अच्छा जरा वीडियो कॉल करो तो। यार यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है बेबी। ठीक है मेरी सब्जी वाले से बात कराओ। यार तुम भी ना यार बहुत, एक सेकंड होल्ड करना भैया, ये लो हमारी मैडम से बात करो जरा। हेलो मैडम, आजकल आप सब्जी खरीदने नहीं आती हैं? आपको देख के हमारी तबीयत हरी हो जाती है। बैगन लो, टिंडा लो, घिया लो, टमाटर लो, कद्दू लो, बस इतना। सुन लिया तुमने, शांति मिल गई तुम्हें? ऑलराइट बाय। इट्स कॉल्ड लिविंग डेंजरसली। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।